गुड मॉर्निंग ऑल. अवर चैप्टर 12 इज व्हाट इफ दिस विल बी फिनिश. क्या होगा अगर यह समाप्त हो जाएगा. मतलब इस चैप्टर में हमें जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो बचेगा कि नहीं बचेगा उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है. फर्स्ट टॉपिक इज अ बस जर्नी. टुडे वी वेयर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अदला स्टेप वेल अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद. वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल्स, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकल्स. अब्राहम हु वॉज काउंटिंग बाइसिकल्स सून गॉट बोर्ड. देयर वेयर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे. ओके, आज हमारे स्कूल की ट्रिप जा रही थी, वो कहाँ जा रही थी, अदला स्टेपवेल, जो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है. हमने क्या किया, जो रोड पे से व्हीकल जा रहे थे वो काउंटिंग करना शुरू किया. कोई बाइसिकल काउंट कर रहा था, कोई बस, कोई कार, कोई मोटरसाइकिल काउंट कर रहा था. जो अब्राहम था वो बाइसिकल काउंट कर रहा था, पर वो जो बाइसिकल काउंट कर रहा था तो बहुत बोर हो रहा था. क्यों? क्योंकि उस हाईवे पे बहुत ही कम बाइसिकल जा रहे थे. The driver suddenly braked at the red light signal. It was a big crossing and we could see the traffic line up on all sides. There was a noise of honking and smoke coming out of the vehicles. Maybe that is why a little boy and a rickshaw was coughing so much. I smelled something familiar. I remember that this smell also came from my father's tractor in the village. Okay, driver ne jo suddenly गाड़ी को रोका क्योंकि रेड सिग्नल लग गया था. वहाँ पे एक बिग क्रॉसिंग थी और सारी जगह से सारी जो साइड्स थी वहाँ पे जो ट्रैफिक लाइन बढ़ गई थी. जो लोग थे वो व्हीकल्स का हॉर्न बजा रहे थे, व्हीकल से स्मोक निकल रहा था, धुआं निकल रहा था. इसकी वजह से जो एक रिक्शा थी वहाँ पे एक बच्चा था, उसको कफिंग हो रहा था. उसे जो ये धुएं की स्मेल थी वो फैमिलियर लगी. उसे तब याद आया कि ये तो मेरे पापा के ट्रैक्टर की ट्रैक्टर से भी यही धुआं निकलता है जो गांव में है. उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स यू कैन सी. यहाँ पे आपको कौन कौन से व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे बसेस, कार, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, पेडल रिक्शा. ओके, नाउ द व्हाट डू यू थिंक विच व्हीकल्स नीड पेट्रोल और डीजल एज अ फ्यूएल. ओके, पेट्रोल और डीजल किन व्हीकल्स को लगता है. तो जैसे बसेस, कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल को पेट्रोल और डीजल लगता है. विच ऑफ द व्हीकल्स गिव ऑफ स्मोक, पुट मार्क ऑफ देम. ओके, कौन से व्हीकल से धुआं निकलता है, तो जो है बसेस, कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है. आपको आपके नोटबुक में जितने जितने बसेस, कार्स, स्कूटर से, उन सबको मार्किंग करनी है. जैसे आप इस तरह से यहाँ पे एक ऐसे टिक कर सकते हो. ओके, विच व्हीकल रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल, कौन से व्हीकल से जो बिना पेट्रोल और डीजल के चलते हैं, तो वो है बाइसिकल एंड पेडल रिक्शा. व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम स्पीडिंग व्हीकल, जब व्हीकल स्पीड से चलती है तो हमें कौन से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. अगर स्पीड से व्हीकल रहती है तो मोर पेट्रोल एंड डीजल इज कंज्यूम, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू विच द लाइव्स ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन द व्हीकल, और इसके एक्सीडेंट के भी चांसेस रहते हैं. नाउ डू यू राइड अ बाइसिकल, आपने कभी बाइसिकल चलाई है. इफ़ येस, वेयर और डू यू गो ऑन इट, आप बाइसिकल पे कहाँ कहाँ जाते हो. तो आप लिख सकते हो गार्डन, स्कूल, मार्केट. ओके, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो. अगर आप बाइसिकल से जाते हो तो आप बाइसिकल लिखो, वैन से जाते हो तो वैन से लिखो. हाउ डू यूर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम, आपके फैमिली मेम्बर्स ऑफ घर से ऑफिस किस तरह से जाते हैं, कौन से व्हीकल पे जाते हैं, वो आपको राइट डाउन करना है. हाउ डू द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स, आउट फ्रॉम व्हीकल्स कॉजेज प्रॉब्लम, जो व्हीकल से धुआं निकलता है उससे क्या प्रॉब्लम्स होती है. ओके, वी कैन सफर फ्रॉम कोल्ड, कफ, हेडेक, बर्निंग आईज, अस्थमा एंड डिसीजेस रिलेटेड टू द लंग्स ड्यू टू स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स. ओके, एयर गेट पोल्यूटेड विथ स्मोक, जो एयर भी पोल्यूटेड हो जाती है. वी फील सफोकेटेड ड्यू टू स्मोक, हमें सफोकेशन होता है ये धुएं की वजह से. ओके, इसके ऐसे इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू वी एक्सपीरियंस फ्रॉम नॉइज ऑफ व्हीकल, जो हॉर्न बजते व्हीकल से उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है. तो
आप उसमें लिख सकते हो कि हेडेक होता है, ओके, मेंटल स्ट्रेस होता है, हमारे जो ईयर ड्रम्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं, डिफनेस आ जाती है, अ पर्सन बिकम शॉर्ट टेम्पर, हॉर्न्स हॉकिंग ड्यूरिंग द नाइट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द स्लीप ऑफ द पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग एरिया। जो लोग रात को सोते हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से उनकी नींद खराब होती है, ओके, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एट द पेट्रोल पम्प। After some time, our bus stopped at a petrol pump. There was a long queue. It seemed as if we would have a long wait. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters. Okay? फिर हमारी बस पेट्रोल पम्प के यहाँ पहुँची। वहाँ पे बहुत बड़ी क्यू थी और हमें लगा कि अभी ये पेट्रोल भरने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। वी ऑल गेट डाउन फ्रॉम द बस, हम बस से नीचे उतरे, ओके, और हम पेट्रोल पंप के आजू बाजू देखने लगे। वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स एंड पोस्टर्स थे। वहाँ पे एक बोर्ड था कि उस पर लिखा था, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, ओके, जो पेट्रोल है वो डीजल वो आखिर तक नहीं बचेंगे, तो हमें अपने बच्चों के लिए वो सेव करना है। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, हर एक ड्रॉप हमें दूर लेके जाता है। स्विच स्टॉप द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, हमें जब हम सिग्नल पे खड़े रहते हैं और हमारी कार स्टॉप रहती है तो हमें इंजन को भी स्टॉप करना चाहिए। यहाँ पे 2019 के हिसाब से पेट्रोल और डीजल का रेट दिया है पर लीटर, ओके, आपको 2021 के हिसाब से पेट्रोल और डीजल का रेट क्या है वो फाइंड आउट करना है। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, वी थॉट टू आज द अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पम्प। हमें ये नहीं समझ में आया कि उस पोस्टर पर ऐसा क्यों लिखा था कि पेट्रोल और डीजल आखिर तक नहीं बचेंगे। तब हमने सोचा कि जहाँ पे वो पेट्रोल पंप के जो अंकल काम करते हैं हम उनसे पूछे। तो अब्राहम ने पूछा, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है। अंकल सेड, फ्रॉम डीप, वेरी डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, हमारे हमें ज़मीन के बहुत ही अंदर, बहुत ही डीप हमें ये मिलता है। मंजू सेड, बट हाउ डज इट गेट फॉर्म देयर, वो वहाँ पे किस तरह से बनता है। अंकल सेड, इट इज़ फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली, इट इज़ नॉट मेड बाई ह्यूमन बींग और मशीन, ये नेचुरली बनता है बट बहुत ही धीमे धीमे बनता है, ये कोई भी इंसान या कोई मशीन इसे बनाता नहीं है। अब्राहम सेड, देन वी डोंट नीड टू बाय इट, वी कैन टेक इट अवर सेल्फ यूजिंग अ बोरवेल, लाइक वी पंप आउट वाटर, ओके। तो अब्राहम ने कहा फिर हमें इसे परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे हम बोरवेल से हम पानी निकालते उसी तरह से हम पेट्रोल और डीजल भी निकाल लेंगे। अंकल सेड, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं मिलता है, बट इट इज़ फाउंड ओनली एट अ फ्यू प्लेस इन अवर कंट्री, हमारे इंडिया में वो बहुत ही कम जगह पर ये मिलता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पम्प इट आउट एंड रिफाइंड इट, वो निकालने के लिए बहुत बड़े मशीन्स की ज़रूरत होती है और उसके बाद वो निकालने के बाद हम उसे रिफाइन करते हैं। नाउ देयर इज सम क्वेश्चंस, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, कौन कौन से स्टेट्स है इंडिया में, तो वो है जहाँ पे ऑयल फील्ड्स है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। बिसाइड्स मिनरल ऑयल, व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, मिनरल ऑयल के अलावा हमें ज़मीन से और क्या क्या मिलता है, तो वो मिलता है कोल, नेचुरल गैस, मेनी टाइप ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ये सारा हमें ज़मीन से मिलता है, ज़मीन के अंदर से मिलता है। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास, कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स रहते हैं। सो फर्स्ट रूल तो यही है, इट इज़ कंपलसरी टू ऑलवेज ड्राइव द व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमें हमेशा लेफ्ट साइड से ही व्हीकल चलाने चाहिए। व्हेन देयर इज़ मोर ट्रैफिक द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी लिमिटेड, अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो हमारा व्हीकल का स्पीड लिमिटेड होना चाहिए। सिग्नल्स एट क्रॉस रोड्स हैव टू स्ट्रिक्टली ओबे, जो सिग्नल्स रहते हैं वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। If the light is red, अगर light red है तो हमें हमारा vehicle stop करना चाहिए। अगर if the light is green, हमें अगर green light है तो then drive forward, and if the light is yellow, be ready to let vehicles on the sides move forward, okay? The correct side light for the turn you want to take must be shown when
shown well in time, okay? अगर हमें left side turn लेना है तो हमें left side का button light indicate करना चाहिए. अगर right side हमें turn लेना है तो right side का light हमें indicate करना चाहिए. otherwise अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो हमारे पीछे vehicles आते हैं उनको पता नहीं चलेगा कि हमें left turn लेना है या right turn. इसके वजह से accident होने के chances रहते हैं, okay? slow down the vehicles if there is a speed breaker, a school, a hospital or a public place nearby. अगर कोई पब्लिक प्लेसेस है और स्पीड ब्रेकर्स है तो हमारे जो व्हीकल का स्पीड है वो कम करना चाहिए, ओके. देयर आर वेरियस सिग्नल्स ऑन द रोड, ईच ऑफ देम हैज़ टू ओबे स्ट्रिक्टली. हमें हर एक रोड पे बहुत सारे सिग्नल्स लगेंगे और हमें हर एक सिग्नल्स मतलब उसके रूल्स फॉलो करने चाहिए, ओके. Now, why should you use petrol and diesel judiciously? हमें पेट्रोल और डीजल और विवेकपूर्वक मतलब संभाल कर क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है, ओके. बिकॉज द प्रपोर्शन ऑफ द व्हीक्युलर यूज एज इंक्रीज अ लॉट ऑफ टूडेज वर्ल्ड, ड्यू टू विच द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ऑल्सो हैज़ गॉन अप मैनीफोल्ड, ओके. अगर आप देखोगे कि अभी बहुत सारे व्हीकल्स, सभी लोगों के पास बहुत सारे व्हीकल्स है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है, बट लोगों को उसकी अहमियत पता नहीं है. जब भी वो सिग्नल पे खड़े रहते हैं वो अपना इंजन स्टार्ट रखते हैं, इसके वजह से डीजल और पेट्रोल की बर्बादी होती है. लुकिंग एट दिस इट कैन बी सेड दैट देयर इज ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ मिनरल ऑयल लेफ्ट इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ विच विल लास्ट फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स. इसकी वजह से कि जो ये मिनरल ऑयल है, पेट्रोल डीजल जो हमारे ज़मीन से मिलते हैं, वो बहुत ही इसका जो प्रोपोर्शन है या जिसकी जो अमाउंट है वो बहुत ही कम बची है, इसकी वजह से वो पूरे लाइफ टाइम तक हमें नहीं होगा. इसकी वजह से हमें पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए, वो प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए. पेट्रोल एंड डीजल इज़ नॉट मेड इन द अर्थ एज फास्ट वी टेक इट आउट. ये जो पेट्रोल और डीजल ज़मीन के अंदर बनते हैं वो बहुत ही धीमे रफ्तार से बनते हैं, इसकी वजह से हमें वो संभाल कर यूज़ करना चाहिए, ओके. ये बनने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, ओके. सो वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल ज्यूडिशियसली, ओके. सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको आपके नोटबुक में राइट डाउन करने हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दे डिस्कस फर्दर. दिव्या सेड इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा. द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, क्योंकि ये पोस्टर में कहा है कि पेट्रोल आखिरी तक नहीं बचेगा. अंकल सेड इट डज नॉट गेट फॉर्म एज फास्ट वी टेक इट आउट, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म अंडर द अर्थ, ओके. उन्होंने कहा कि ये जो पेट्रोल है ये जल्द से जल्द नहीं बनता है, ये बहुत धीमी रफ्तार से बनता है और इसे बहुत साल लग जाते हैं बनाने के लिए. अब्राहम सेड हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिश, अगर ये ऑयल खत्म हो जाएगा तो व्हीकल किस तरह से चलेंगे. मंजू सेड ऑन सीएनजी आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स विच रन ऑन द सीएनजी क्रिएट लेस मोर, ओके. मंजू ने कहा कि मैंने टीवी पे देखा था कि सीएनजी पर व्हीकल्स चल सकती है, उससे कम धुआं निकलता है. अंकल हंसने लगे, उन्होंने बोला दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द सॉइल, इट इज ऑल्सो लिमिटेड, बट ये सीएनजी जमीन के अंदर से ही आता है और वो भी लिमिटेड है. दिव्या सेड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल, उसने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी पे भी व्हीकल्स चलते हैं, मैंने देखा है एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल. अब्राहम सेड वी विल हैव डू समथिंग और वेल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप, अब हम जब हम बड़े होंगे तो हम किस तरह से ट्रैवल करेंगे अगर ये पेट्रोल और डीजल खत्म हो गए तो. दिव्या सेड माय ग्रैंडमदर वुड बी हैप्पी इफ फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, शी सेज लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स, व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप. उसकी जो दादी थी, दिव्या की दादी, उसने बोला कि देखो बहुत सारे व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं, वो जैसे चीटिया कैसे एक लाइन पे चलती है उस तरह से ये देखो व्हीकल्स एक लाइन से चल रहे हैं. जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या तुम कैसे करोगे. मंजू सेड सी ओनली 1 or 2 persons आर सिटिंग इन दिस कार, व्हाई डोंट दे यूज अ बस. मंजू ने कहा कि हम जब भी जाते हैं तो देखते हैं कि कार में एक या दो ही व्यक्ति को बैठे रहते हैं, अगर वो लोग बस से जाएंगे तो और ज़्यादा पेट्रोल और डीजल सेव होगा. अब्राहम सेड दैट विल सेव पेट्रोल, वन बस कैरी मेनी पीपल, तो अब्राहम ने कहा हाँ बस में बहुत सारे हम पैसेंजर लेके जा सकते हैं, इसकी वजह से पेट्रोल भी सेव हो सकता है. मंजू सेड व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट, देन वी वोंट हैव टू वरी अबाउट
इट गेटिंग फिनिश, वी कांट, वी कैन यूज इट एज मच एज वी वॉन्ट. ओके, मंजू ने कहा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सनलाइट पे चलने वाली कार का इन्वेंशन करूंगी, इसकी वजह से हमें किसी भी कोई भी हमें चिंता नहीं रहेगी और कुछ भी फिनिश नहीं होगा. ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ. ओके, जमीन से क्या खजीना मिलता है हमें. इट इज़ नॉट इजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज डीप इनसाइड द अर्थ. साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट. देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पंप आउट. This oil is smelly, thick, dark and color liquid. It contains many things mixed in it. Okay? To clean and separate this, it is sent to refinery. Have you heard of a refinery? Okay? Oil ज़मीन के अंदर से निकालना बहुत ही हार्ड है, ये बहुत इजी टास्क नहीं है. साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बहुत अलग अलग टेक्निक से उन्होंने मशीन्स फाइंड आउट किए, उसकी वजह से वो जो पेट्रोलियम वो बाहर निकालते हैं वो बहुत ही स्मेली, थिक और डार्क कलर का रहता है. फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, फिर उसको क्लीन और सेपरेट करने के लिए रिफाइनरी की ज़रूरत होती है. आपने कभी रिफाइनरी सुनी है? इज इट इज़ द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम दैट वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजिन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट. डू यू नो दैट LPG, वैक्स, कोकोलेटर, ग्रेज आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम दिस. ओके, हमें उसमें क्या मिलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजिन ऑयल. ओके, जो एरोप्लेन में फ्यूल यूज होता है वो सारे ये रिफाइनरी में हमें मिलते हैं. आपने कभी सुना है LPG, वैक्स, कोलेटर, ग्रीस. ओके, ये सारी चीज़ें भी हमें वहाँ से मिलती है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स. ये चीज़ों का यूज़ कहाँ होता है, तो प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए ये चीज़ों का यूज़ होता है. नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग फ्यूल. आई रिमेंबर दैट सम टाइम्स माई फादर कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन व्हाइल डूइंग समथिंग एल्स. एट टाइम द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन. व्हाट अ वेस्ट, आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू माई फादर व्हेन आई गो होम. तब उसे लगा कि हमें फ्यूल सेव करना चाहिए. तब उसे याद आया कि उसके पापा भी उसके ट्रैक्टर, उनके घर में जो ट्रैक्टर है उसका इंजन स्टार्ट करके रखते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं, इसकी वजह से बहुत सारा फ्यूल वेस्ट होता है. तो उसने सोचा कि मैं घर जाके मेरे पापा से इस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि हमें इस तरह से फ्यूल वेस्ट नहीं करना चाहिए. उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.